हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड दो और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से एक एग्जांपल तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है जो लास्ट तीन लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एक एग्जाम्पल है जो नॉर्मल कन्फॉर्मल मैपिंग का एग्जाम्पल है, और वो जो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग इसमें लेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बुक्स में वो गलत भी दिया हुआ है। मैंने दो बुक्स कंसिडर करी और उनमें लास्ट में देखा मैंने, तो वो इतना प्रॉपरली आंसर नहीं दिया हुआ है, या कह लो कि कुछ एक में तो गलत भी था, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत ही खास एग्जांपल है वो भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सिक्स्थ नंबर चल रहा है हमारा, फिफ्थ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। फाइंड द इमेज ऑफ द राइट हाफ प्लेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अंडर द मैपिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो राइट हाफ प्लेन होता है, कैसा होता है मैं एक बार बना ही देता हूं इसको। अगर आप जेड प्लेन की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये लाइन जो होती है ना, ये लाइन हमारी एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन है, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है इधर वाले पूरे पोर्शन की बात हो रही है, साथ में इस लाइन की भी बात हो रही है, इक्वल का साइन है। तो ये हमें, ये हमारा रिक्वायर्ड है कि भाई इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है डब्ल्यू प्लेन में। मैं यहां बना ही देता हूं एक बार कि ये हमारा U और V, ये W प्लेन है, इसका W प्लेन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस वाली मैपिंग का यूज करके, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करें, हम आराम से हम लोग निकाल लेंगे, पिछले दो एग्जांपल्स में भी सेम काम कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमें दे रखी होती है जिसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता है, उस सिचुएशन में अभी तक तो यहाँ z दे रखा होता था। दो एग्जांपल्स हमने जो किए उसमें जनरली mod z is greater than 1 या mod z is less than 1 या z पे कुछ ना कुछ फोकस था। अभी z पे नहीं है, x पे है, लेकिन x किससे बनता है, z से, क्योंकि z होता है x plus iota y, तो अल्टीमेटली आपको z ही चाहिए, ये बात आप ध्यान से समझो। तो z चाहिए तो यहां से z मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। देखो मैं निकालता हूं, w is equal to z minus 1 upon z plus 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो WZ plus W is equal to Z minus 1, यहां से Z निकालना है तो Z एक साइड ले लो, ये आ गया 1 इधर और ये Z उधर आ जाएगा, तो ये W plus 1 is equal to Z minus WZ, और यहां से Z कॉमन आकर के इसको डिवाइड में दे दो तो ये बन जाएगा W plus 1 upon 1 minus W। ये हमारे पास Z आ गया जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन हमें आगे क्या करना है, हमें चाहिए ये, इसका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें। अब यहां के बाद दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो मेथड वन, मेथड वन ये है कि आप सिंपल एक्स निकाल लो और इसमें रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। सिंपल एक्स निकालो, सीधा आंसर आएगा। एक्स कैसे निकालेंगे भाई, जेड और डब्ल्यू की यहां वैल्यूज डाल दो, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा वाई और डब्ल्यू की वैल्यू होती है यू प्लस आयोटा वी, तो u प्लस आयोटा v प्लस वन और नीचे आ जाएगा u प्लस आयोटा v, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो ये भी अल्टीमेटली बनेगा माइनस का ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब आप कंपेयर करोगे तो x और y की वैल्यूज मिलेंगी, तो कंपेयर करने के लिए इधर भी तो प्रॉपर रियल और इमेजिनरी पार्ट दिखने चाहिए जो कि नहीं दिख रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप देखिए इसको, पहले रियल और इमेजिनरी सेपरेटली लिखे हम ऊपर और नीचे के, तो रियल पार्ट अलग, आयोटा वाला पार्ट अलग किया, नीचे रियल पार्ट अलग ही है और इमेजिनरी अलग ही है, लेकिन अभी भी प्रॉपर ओवरऑल रियल और इमेजिनरी अलग नहीं हुए हैं, तो रैशनलाइज करेंगे हम एक तरीके से, या कह लो कि कॉन्जुगेट से नीचे वाले के कॉन्जुगेट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हम करेंगे। स्टार्ट करें, सबसे पहले ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस यू बोल लो या यू प्लस 1 बोल लो एक ही बात है, तो 1 प्लस यू 1 माइनस यू, 1 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, ये जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आयोटा वी इंटू यू प्लस 1, और ये जब इससे होगा तो आयोटा वी इंटू 1 माइनस यू, और जब लास्ट वाले से होगा तो आयोटा स्क्वायर v स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन में नेक्स्ट लाइन में कंसिडर कर लूंगा इसको, है ना। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा x प्लस आयोटा y है,
ये जरा सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस यू स्क्वायर, अब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है माइनस वन, तो माइनस वन होने के कारण ये माइनस का वी स्क्वायर आ जाएगा, जो रियल पार्ट की तरह मैंने सेपरेट कर दिया है, इमेजिनरी अलग कर लो, इमेजिनरी ये दोनों के साथ है आयोटा, तो आयोटा वी आप इनके साथ लो कॉमन, और ये बचेगा यू प्लस वन, और इधर बचेगा प्लस का वन माइनस यू, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ये वन माइनस यू होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस वन होने के कारण प्लस का वी स्क्वायर, ये एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया, तो एक्स प्लस आयोटा वाई फाइनली हमें मिल रहा है वन माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस में आयोटा वी, आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये केवल टू बचा है यहां पर, तो आयोटा टू वी है एक तरीके से, और ये जो डिवाइड वाला पार्ट है ना ये सेपरेट हो जाएगा दोनों के साथ अलग अलग, क्या बचेगा ये वन माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इसके साथ अलग, वन माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इसके साथ अलग। अब आप रियल और इमेजिनरी को इजिली कंपेयर कर सकते हो, और यहां से आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर टू से कि कंपेयर करने के बाद आपका x आ जाएगा, रियल पार्ट रियल पार्ट से करोगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू होल स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर, ये हमें सिर्फ x से मतलब है, y से कोई मतलब ही नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, हमें क्या करना है, हमें तो x को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख देना है बस, ये जो x दिख रहा है हमें सिर्फ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख देना है और कुछ नहीं करना। जब आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखोगे तो ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है वो तो चला जाएगा जीरो में, जीरो में जाने के कारण अल्टीमेटली ये बनेगा वन माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होकर के वो तो सारा खत्म। अब क्या करना है, इन दोनों माइनस को उधर ले आओ तो ये बचेगा वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूं मैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन लिखा हुआ है ये अल्टीमेटली, और आप नोटिस करें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्या होता है, ये एक यूनिट रेडियस का सर्किल होता है जिसकी रेडियस वन है, और लेस देन इक्वल टू का मतलब है उसके अंदर के सारे पॉइंट्स की बात चल रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जेड प्लेन में ये वाला पोर्शन लेना है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू प्लेन में ये आएगा, जिसमें इस बाउंड्री का ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली बाउंड्री है और इस तरफ के पॉइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन अंदर वाले सारे पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली इजीली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं, यहां से मतलब है सारा का सारा, यहां किस चीज की वैल्यू पूछी है या दे रखी है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सके वो आप निकाल लो, वो हमने निकाल लिया और वैल्यू रख दी, अपने आप बन गया। दो तरीके थे मैंने आपको बताया, यहां से इसके आगे से दो मेथड थे, ये तो हमने एक मेथड डिस्कस किया, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड है कि हमने अभी तक इसको किस तरह से सॉल्व किया था, लास्ट दो क्वेश्चंस में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो किस तरह से सॉल्व किए थे, वो जेड में ही थे, एक्स और वाई में थे ही नहीं वो कुछ, तो जेड में ही थे तो इस एक्स को भी जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं मैं एक बार इसको हटाता हूं, आप देखो सेकेंड मेथड देखो, जेड में कन्वर्ट करने वाला मेथड है, एक्स को जेड में कैसे कन्वर्ट करोगे, भाई जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को ऐड कर दें अगर तो जेड प्लस जेड बार हो जाएगा 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x आ जाएगा जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है ये, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, यहां पर यूज आ जाएगा, किस तरह से यूज आएगा देखिए आप, स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमें पहले तो जेड बार की भी जरूरत पड़ेगी इसके लिए, केवल जेड है हमारे पास, जेड ये रहा, जेड बार नहीं है तो पहले जेड बार निकाल लो, जेड बार देखो कितना आएगा, जेड बार आएगा W प्लस वन अपॉन वन माइनस डब्ल्यू के ओवरऑल बार लगा दो, ओवरऑल बार क्या है सेपरेट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी में ये कॉन्जुगेट सेपरेट किया जा सकता है, और W के ही केवल बार लगेगा, वन के बार नहीं लगेगा क्योंकि वन रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। अब ये जेड बार हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन नंबर हम टू ले लेते हैं इससे, ये वन थी ये टू हो गई, स्टार्ट करें हमें यहां से चलना है आगे, हमारे पास है लिंक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये लीड है हमारे पास, स्टार्ट करें x की वैल्यू रख करके, तो z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आप इस 2 को तो जीरो में भेज दो पहले, 2 को अगर जीरो में भेजते हो तो z प्लस z बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्टार्ट करें वैल्यू रखना, z की वैल्यू w प्लस 1 अपॉन 1 माइनस w,
जेड बार की वैल्यू यहां से डब्ल्यू बार प्लस वन अपॉन वन माइनस डब्ल्यू बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम जरा ले, वन माइनस डब्ल्यू बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये बनेगा डब्ल्यू प्लस वन इंटू में वन माइनस डब्ल्यू बार प्लस में वन माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू बार प्लस वन। अब जरा मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा देखो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस वन और माइनस का डब्ल्यू बार, इधर करोगे तो डब्ल्यू बार प्लस वन माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू बार और माइनस का डब्ल्यू, ये पूरा पोर्शन जीरो में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पूरा। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही होंगी, देखो आप ये हो रही है और क्या हो रही है और ये भी हो रही है, बस इतना ही हो रहा है। तो क्या बचा, वन और वन टू हो गया, माइनस का ये भी टू टाइम्स बच रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टू को भी कॉमन लेकर के जीरो में डिवाइड कर दो तो वन माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। इस डब्ल्यू डब्ल्यू बार को उस तरफ ले जाओ आप, यहां कर देता हूं मैं, डब्ल्यू डब्ल्यू बार को उधर ले जाओगे तो वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू बार हो जाएगा, ठीक है। तो वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, क्या होता है यू प्लस आयोटा वी, डब्ल्यू बार क्या होता है यू माइनस आयोटा वी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के कारण वो प्लस ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन, जो कि पहले भी आया था, उसी का तो हमने यहां पर ये डायग्राम बनाया था। तो दो मेथड्स हैं, आप जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से करो, मैं आपको अलग अलग मेथड से, बहुत बार मैं ऐसा करता हूं कुछ क्वेश्चंस को दो या तीन मेथड जो भी पॉसिबल होते हैं मैं उनसे आपको बताता हूं, ताकि आपकी अप्रोच बने क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको केवल रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, हर क्वेश्चन बहुत तरीकों से हो सकता है। आपको बस अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि चल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, आराम से निकाल लोगे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत एक खास एग्जाम्पल है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बहुत ही खास एग्जाम्पल है, लास्ट में मैं काफी सारे कंक्लूजन यहां पर कंक्लूड करूंगा जिससे आपको इसको समझने में और आसानी होगी। देखिए स्टार्ट करते हैं, शो दैट बाई मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, केवल इतना ही होता ना, स्क्वायर नहीं होता तो सीधा सीधा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। अब लेकिन इस तरह का है, जो भी है, द अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन मे बी मेड टू करस्पॉन्ड टू द इंटीरियर ऑफ सर्टेन सेमी सर्किल इन जेड प्लेन। देखो खास जो बात है यहां पर, इस बार क्या बोली है, द अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन, मतलब डब्ल्यू प्लेन से स्टार्ट करने को बोला है इसने, कि डब्ल्यू प्लेन का जो अपर हाफ है, डब्ल्यू प्लेन का अपर हाफ का मतलब क्या है, ये वाला केस, अगर ये यू और ये वी एक्सिस है तो डब्ल्यू प्लेन का जो अपर हाफ है वो जेड प्लेन के किसी सेमी सर्किल पर जाएगा, ये कहना चाह रहा है, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हो कि जेड प्लेन का जो सेमी सर्किल है वो इसके अपर हाफ पर जाएगा। कौन सा सेमी सर्किल लेना है वो हम करेंगे तो अपने को धीरे धीरे समझ आएगा, अभी ये नहीं क्लियर है कि कौन सा लेना है, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मैं ये हटाता हूं, स्टार्ट करता हूं यहां से, करने का पैटर्न एकदम क्लियर रहेगा, यहां से लीड मिल रही है हमें क्वेश्चन को करने की, यहां से लीड मिल रही है। क्या लीड मिल रही है, कि द अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन, अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन का मतलब होता है v इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से क्वेश्चन को शुरू करना है, कहने का मतलब ये हो गया हमें v चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा हो, हमने स्टार्ट किया था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए x चाहिए था, तो जैसे तैसे करके हमने w और z की वैल्यूज रख करके x निकाला, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया, तो हमें आंसर मिल गया। यहां फिलहाल हमें v इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो हमें v निकालना पड़ेगा और यहां पर रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। v कहां से मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से। क्लियरली यहां पर W सेपरेट किया हुआ है, W इज इक्वल टू Z माइनस आयोटा C अपॉन Z प्लस आयोटा C का होल स्क्वायर है। W क्लियरली सेपरेट है, जो कि होता है U प्लस आयोटा V, और इस तरफ Z की वैल्यू आप रखेंगे X प्लस आयोटा Y माइनस आयोटा C अपॉन X प्लस आयोटा Y प्लस में आयोटा C का होल स्क्वायर। यहां पर अगर इधर को आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको क्लियरली सेपरेट कर लेते हो, तो रियल पार्ट रियल में इक्वल और v जो है इमेजिनरी, इधर वाले इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, और v मिलते ही यहां पर रखते ही आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा काम करना है अपने को। तो यहां कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये होल स्क्वायर आ गया, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग करते थे वहां स्क्वायर नहीं होता था, स्क्वायर नहीं होता था, हम पहले रैशनलाइज कर लेते थे अंदर के अंदर और वो सेपरेट हो जाता था, फिलहाल ये आ गया स्क्वायर। अब क्या करें,
स्क्वायर भी अगर आ गया है ना, तो पहले आप अंदर रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लो, फिर उसका होल स्क्वायर करके हम उसको थोड़ी सी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन होगी लेकिन आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, यहां पर u प्लस आयोटा v मैं ले रहा हूं, ये आप लिखेंगे x प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, ऐसे इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, और नीचे आएगा x प्लस आयोटा y प्लस c, होल स्क्वायर चल रहा है, वो कोई इशू नहीं है। हम अंदर के अंदर रैशनलाइज करने वाले हैं इसको, कैसे करेंगे, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू, ये x प्लस आयोटा y माइनस c चल रहा है, नीचे x प्लस आयोटा y प्लस c चल रहा है, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मतलब कॉन्जुगेट से संयुग्मी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये रूल होता है रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करने के लिए, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह चल रहा है, मैंने अंदर के अंदर बस उसको एडजस्ट किया और कुछ नहीं किया। तो ऊपर वाली टर्म के मल्टीप्लाई में ले लो, क्या आंसर आएगा देखें, स्टार्ट करते हैं, एक्स तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा एक्स इंटू वाई प्लस सी, अब ये आयोटा वाई माइनस सी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आयोटा एक्स वाई माइनस सी, और लास्ट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर और माइनस साइन, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई माइनस सी वाई प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर चल रहा है वो तो अलग ही है, इसको तो अभी छेड़ ही नहीं रहे हम, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले बस, ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर, अब थोड़ा ध्यान से देखें, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो जब प्लस में ये इस तरह से आ गया तो मैं यहीं पर लिख लूं रियल पार्ट को पूरी तरीके से अलग करके। दूसरी बात यहां पर देखो, आयोटा एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो मैं प्लस का आयोटा एक्स कॉमन ले रहा हूं, पहले इसको लिख लेते हैं, तो वाई माइनस सी ये, फिर माइनस का वाई और माइनस का ही सी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो ये अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बनना है, और होल पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर तो है ही है, उसको भी नहीं छेड़ रहे। अब देखिए आगे क्या बना ये फाइनली, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस में नहीं बल्कि माइनस में टू आयोटा सी एक्स बचा, उसका तो होल स्क्वायर मैं अलग लिख रहा हूं, और नीचे जो डिवाइड में है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर मैं अलग लिख रहा हूं, क्योंकि इसका उस होल स्क्वायर खोलने की नीड नहीं होगी हमें, हम केवल ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे ना तो काम चल जाएगा, इसलिए मैंने जो स्क्वायर था ब्रैकेट पे वो दोनों को सेपरेट कर दिया है। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको ए कंसीडर कर लो आप, इसको आप बी कंसीडर कर लो, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो फोर आयोटा सी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें कुछ खोलने की नीड नहीं है, इतने में ही काम चल जाएगा अपना। आगे देखो आप, तो ये फाइनली इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब देखो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस का फोर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस का आयोटा अगर अलग आए तो ये हो जाएगा फोर सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बात ये है कि ये जो चीज है ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में सेपरेट ही कर दो आप, तो सेपरेट करोगे तो ये बनेगा, यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, सेम यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एकदम सेपरेट हो गए हैं, ये चल रहा था u प्लस आयोटा v इस तरफ, जो कि हमने लिखा नहीं स्टार्टिंग से, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं u प्लस आयोटा v, तो ये जो टर्म आई है ये तो u के बराबर है रियल पार्ट तो, और उधर जो टर्म आई है इमेजिनरी पार्ट वो v के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यहां मिसगाइड नहीं होना है,
वी जो आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का आयोटा है, यहाँ माइनस का है, ये माइनस अंदर ही एडजस्ट होगा, तो ये बनेगा माइनस का 4cx इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास v आ गया है और ये मेन चीज है, यहां से आगे की लीड मिलेगी इसके लिए, इसको हमें करना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो डिवाइड वाली टर्म पॉजिटिव जो स्क्वायर में बन रही है वो तो जीरो में चली जाएगी। अल्टीमेटली अपने पास इस माइनस को जीरो में नहीं भेज रहे हम, ये जो फोर सी है ये भी जीरो में चला जाएगा, और एक ये पूरा टर्म मैं जीरो में भेजते हुए फाइनल इसको लिख रहा हूं कि ये बन रहा है माइनस का एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे अब इसको हटा करके, तो मैं ये हटाता हूं और वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आप देखो जहां एंड हुआ था मैंने यहां लिख दिया है। अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर कैसे, माइनस साइन हटाओ, माइनस साइन अगर आप हटाते हो ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब यहां से बहुत एक खास अप्रोच है, ध्यान से देखो आप, ये दो चीजें हैं जो प्रोडक्ट में है, एक तो एक्स और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दो चीजों का प्रोडक्ट या दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तब आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, एक तो ये कि x इज ग्रेटर देन जीरो हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन जीरो हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव बन जाएगा, या फिर पहला वाला नेगेटिव बन जाए और दूसरा वाला पॉजिटिव बन जाए तो भी प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने के कारण प्रोडक्ट नेगेटिव बनता है, अदरवाइज दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा। दो सिचुएशंस यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। इन दोनों को एक बार डिस्कस करते हैं क्या बनेगा ये। पहले तो ये देखें कि अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन क्या था हमारा, अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन हमारा ये चल रहा था, ये यू है ये वी है, हमें इस वाले पोर्शन के साथ डील करना है, ठीक है। अब ये देखें ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, ये सर्किल बना दिया और इस सर्किल के अंदर वाले पोर्शन की बात चल रही है, सी रेडियस का सर्किल है ये, सी कोमा जीरो, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इस सर्किल के अंदर के पोर्शन की बात चल रही है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं लेना, ये लेना है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इधर वाले पोर्शन को बोलते हैं, तो हमारे जो काम का पोर्शन आया वो ये वाला आया, ठीक है। उधर की बात करें वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है सर्किल ही, लेकिन सर्किल के बाहर के पोर्शन की बात चल रही है, इस बार सर्किल के बाहर के पोर्शन की बात चल रही है, लेकिन पूरा बाहर का पोर्शन नहीं लेना, कौन सा लेना है यहां से पता चलेगा, एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब इधर का पोर्शन, सर्किल के बाहर का केवल इधर का पोर्शन लेना है, तो ये वाला पोर्शन होगा उसमें, ये पोर्शन है सर्किल के बाहर का और लेफ्ट साइड का, इन दोनों का मिलाकर के आंसर आएगा ये। ऐसा नहीं है कि केवल इतने पोर्शन का आंसर ये पूरा है या केवल इतने से पोर्शन का आंसर ये पूरा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी बुक्स में केवल ये दिया हुआ है कि इतने पोर्शन का आंसर है ये पूरा, जबकि बिल्कुल भी सही नहीं है ये। मैंने इसके अंदर के पॉइंट्स भी रख करके देखे और प्रैक्टिकली करके भी देखा है कि अगर इसके अंदर के बात करें, केवल इतने पोर्शन की बात करें, तो आंसर सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, अगर केवल इतने से पोर्शन की बात करोगे तो, और अगर इस पोर्शन की बात कर रहे हो आप, इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो आंसर आएगा या जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो यहां पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों मिलकर के ये पूरी पट्टी बनाएंगे। अब ये कैसे पता चला मुझे, देखते ही कि ये चीज नेगेटिव ही जाने वाली है, वो यहां से मिलेगी, जो हमने यू और वी सेपरेट किए थे ना, वहां से यू की वैल्यू से ये कंक्लूजन मिलेगा। आप अगर v की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले केस ये रखते हो, उसमें ये चीज अगर आप u की वैल्यूज में रखते हो तो u की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से जीरो तक मिल जाएगी आपको अपने आप ही, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड क्वाड्रेंट हमें उसमें समझ आ जाएगा।
अब मैंने क्या किया, मैंने एक यहां का पॉइंट लिया, एक यहां का, 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 एक यहां का और एक यहां का, आठ पॉइंट्स लिए अलग अलग, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन चेक किया कि किस क्वाड्रेंट का, किस सेक्शन का पोर्शन कहां जाता है, तो आप देखिए उसका कंक्लूजन क्या है। तो ये था इसका ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर मेन करेक्शन ये था कि केवल इतने से पोर्शन का आंसर ये पूरा नहीं है, इतने से पोर्शन का आंसर केवल ये है, इस पोर्शन का जवाब इधर से मिलेगा, ये कुछ बुक्स में गलती किया हुआ है, ये थोड़ा अपने को ध्यान देने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। कन्फॉर्मल मैपिंग में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, कुछ और टॉपिक्स होंगे तो मैं उसको आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा। जो मेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं वो टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो अब कुछ तीन चार वीडियोस में मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा, टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम दोनों को ही, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों एनालिसिस में है ये, और बहुत ही कमाल का टॉपिक है, मतलब ये समझो कि मेरे मन के या दिल के सबसे करीब का टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। मतलब जब भी मैंने ये पढ़ा था एक टाइम के बाद में, उसके बाद मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट जगा था, तो मैं उसको उसी लेवल से उसी तरह से आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियोज आप जरूर देखें, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो से, थैंक यू।